नमस्कार, आओ सीखो की इस वीडियो क्लास में आपका स्वागत है। मैं हूं कैलाश शर्मा और बिगिनर्स इंग्लिश ग्रामर कोर्स के तहत हम सीख रहे हैं प्रेजेंट इनडेफिनेट टेंस। पिछले वीडियो में हमने प्रेजेंट इनडेफिनेट टेंस को सीखा था, पर वो अफर्मेटिव सेंटेंसेस थे। इस बार हम सीख रहे हैं इन वाक्यों को नेगेटिव और इंटरोगेटिव कैसे बनाना। ये टेंस कहने को सिंपल है, परंतु ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। कहने को तो इसमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, पर कभी कभी वो विथ एस या ई एस आता है और कभी विदाउट एस या ई एस आता है, इसीलिए कॉम्प्लिकेशन यहां पर देखने को मिलता है। देखिए, हम ये चीज तो पहले ही जान चुके हैं और सीख चुके हैं कि जब भी किसी वाक्य को निगेटिव बनाएंगे या इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो वहां सहायक क्रिया होना जरूरी है, और अक्सर सभी टेंसेस में सहायक क्रिया पहले से ही मौजूद होती है, यानी कि वाक्य के अफर्मेटिव फॉर्म में ही हमको हेल्पिंग वर्ब दिखाई देती है। कहीं विल होती है, कहीं शैल होती है, कहीं हैज हैव हैड होती है, कहीं कुछ और होती है, परंतु होती है। ये दो टेंसेस ऐसे हैं, ये वाला टेंस यानी सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट, जिसमें हमें सीधे सीधे वर्ब दिखाई नहीं देती, हेल्पिंग वर्ब दिखाई नहीं देती, मेन वर्ब दिखती है, जिसमें हम नॉट लगा करके उसका नेगेटिव नहीं बना सकते। एग्जाम्पल लीजिए, आई टीच यू, इसका अगर मुझे नेगेटिव बनाना है तो मैं टीच में नॉट नहीं लगा सकता, नियम टूटता है। नियम है सहायक क्रिया में नॉट जोड़िए और वाक्य को नेगेटिव बनाइए, पर यहां तो सहायक क्रिया नदारद है। आई सब्जेक्ट है, टीच मेन वर्ब है, यू ऑब्जेक्ट है। अब यहां नॉट कैसे लगाएं? तो हमें आवाज देनी पड़ती है, कोई है जो हमारी सहायता करेगा, और एक सहायक क्रिया है जो दौड़ करके आती है, वो है डू। डू आती है, इसमें हम नॉट लगाते हैं और वाक्य बनता है आई डू नॉट टीच यू, मैं आपको नहीं पढ़ाता। यानी कि एक वर्ब हमें बोरो करनी पड़ी, एक सहायक क्रिया हमें उधार लेनी पड़ी बाहर से वाक्य को निगेटिव बनाने के लिए, और इसी तरह से अगर इंटरोगेटिव बनाना हो तो भी उसी डू की सहायता लेनी पड़ेगी, और प्रश्न बनेगा डू आई टीच यू, क्या मैं आपको पढ़ाता हूं। पिछले वीडियो में जो हमने एग्जाम्पल्स लिए थे उन्हीं को हम लेते हैं और सीखते हैं किस तरह से वाक्यों को निगेटिव और इंटरोगेटिव बनाना प्रेजेंट इनडेफिनेट टेंस में। She wakes up early in the morning. वह सुबह जल्दी उठ जाती है। इसमें हम देख रहे हैं कि हमारा सब्जेक्ट शी है, इसीलिए वेक ना आकर के वेक्स आया, वेक्स अप, शी वेक्स अप। अब दिक्कत यह हुई कि जैसे ही हम डू लाए तो वो एस ई एस जो वेक में लगा हुआ था वो आकर के डू में लग जाता है और एक वर्ब बनती है डज। अब डज में हम नॉट लगाएंगे और नेगेटिव बनाएंगे, शी डज नॉट वेक अप इन द मॉर्निंग, शी डज नॉट वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, वह सुबह जल्दी नहीं उठती है। यानी आपको डू को डज बनाना पड़ा, फिर उसमें नॉट लगाना पड़ा, तब जाकर के ये नेगेटिव बना। इसी तरह से इंटरोगेटिव बनाना हो, प्रश्नवाचक बनाना हो, तो डू को नहीं डज को आगे ले जाना पड़ेगा, तो वाक्य बनेगा Does she wake up early in the morning? क्या वह सुबह जल्दी उठ जाती है? एक और उदाहरण लेते हैं। I never drink coffee. मैं कभी कॉफी नहीं पीता। इस वाक्य को हम निगेटिव इसलिए नहीं बना सकते क्योंकि ये ऑलरेडी निगेटिव है, यानी never शब्द ने इसे पहले ही निगेटिव बना के रखा हुआ है, इसलिए इसमें निगेटिव बनाने की गुंजाइश नहीं है। अगर ये वाक्य होता I drink coffee, तो इसका अर्थ होता मैं कॉफी पीता हूं। इसे निगेटिव बनाना है तो हम बाहर से डू लाएंगे, आई डू नॉट ड्रिंक कॉफी, और अगर इंटरोगेटिव बनाना है तो वही क्रम दोहराया जाएगा, डू को आगे ले जाएंगे, प्रश्न बनेगा डू आई ड्रिंक कॉफी, क्या मैं कॉफी पीता हूं। इस तरह से हमने निगेटिव बनाया। एक और वाक्य लेते हैं, दे लिव इन दैट बिग हाउस। ये एक हैबिचुअल एक्शन है जो बताता है कि वे उस घर में रहते हैं, दे आर इन द हैबिट ऑफ लिविंग इन दैट हाउस। अब चूंकि यहां पर थर्ड पर्सन तो है, पर थर्ड पर्सन प्लूरल है,
इसलिए यहाँ पर डज नहीं लगेगा, डू लगेगा। डू हम लाए, उसमें नॉट लगाया, वाक्य नेगेटिव बना। दे डू नॉट लिव इन दैट बिग हाउस, वे उस बड़े घर में नहीं रहते। प्रश्न बनाया, डू दे लिव इन दैट बिग हाउस, क्या वे उस बड़े घर में रहते हैं। और इस तरह से हमने देखा कि डू ने आगे के वाक्य को नेगेटिव और इंटरोगेटिव बना दिया। अब बारी है जनरल ट्रुथ, यूनिवर्सल ट्रुथ की, जिसमें हमने कहा टू एंड टू मेक फोर, दो और दो चार बनाते हैं। अब मुझे कहना दो और दो चार नहीं बनाते, कहना है भले हर बार बनाते हो, यूनिवर्सल ट्रुथ हो, पर मुझे कहना है दो और दो चार नहीं बनाते, या मुझे कहना है दो और दो पांच नहीं बनाते। तो वाक्य बनेगा टू एंड टू डू नॉट मेक फाइव, यानी हमें वही बाहर से डू लाना पड़ा, क्योंकि यहां पर जो बात हो रही है वो थर्ड पर्सन प्लूरल की है। एक हो गया टू, दूसरा भी हो गया टू, टू एंड टू। इस तरह से हमारे पास जो सब्जेक्ट था वो दरअसल प्लूरल है, टू एंड टू, डू नॉट मेक फाइव। तो हमने डू लगाया और नेगेटिव बनाया। प्रश्न किया, डू टू एंड टू मेक फाइव, या डू टू एंड टू मेक फोर, क्या दो और दो पांच बनाते हैं, क्या दो और दो चार बनाते हैं। इस तरह से आप प्रश्न पूछ सकते हैं। एक और उदाहरण लेते हैं, द अर्थ मूव्स राउंड द सन, मतलब पृथ्वी सूरज का चक्कर लगाती है। यहां पर हम देखते हैं कि जो हमारा सब्जेक्ट है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर है, क्योंकि न तो मैं हूं अर्थ, न आप हैं अर्थ, वो है थर्ड पर्सन और उसके साथ ही वो एक ही है, इसलिए सिंगुलर। तो यहां पर हमें डू के अंदर ईएस लगा करके डज बनाना पड़ेगा, जो मूव क्रिया में एस लगा हुआ है वही इधर आकर डू में लगेगा, हो जाएगा डज, और वाक्य बनेगा द अर्थ डजंट या डज नॉट मूव राउंड द सन, यानी कि पृथ्वी सूरज का चक्कर नहीं लगाती। प्रश्न करना हो तो डज को आगे ले जाएंगे और प्रश्न बनेगा डज द अर्थ मूव राउंड द सन, क्या पृथ्वी सूरज का चक्कर लगाती है। ऐसे ही मैंने एक और उदाहरण पिछले वीडियो में दिया था, माई शॉप फेसेस द नॉर्थ ईस्ट, मेरी जो दुकान है वो उत्तर पूर्व यानी कि ईशान कोण को फेस करती है। मुझे इसका नेगेटिव बनाना है। अब मेरी शॉप, न तो मैं हूं न आप हैं, मेरी शॉप कोई थर्ड पर्सन है, और फिर एक ही दुकान है, शॉप्स नहीं लिखा है, इसलिए एक ही दुकान है, इसलिए हुआ थर्ड पर्सन सिंगुलर। यहां पर भी वही नियम लागू होगा, डज लगेगा, नॉट लगेगा, नेगेटिव हो जाएगा। माई शॉप डज नॉट फेस द नॉर्थ ईस्ट, यानी कि मेरी जो दुकान है वो नॉर्थ ईस्ट को फेस नहीं करती, ईशान कोण को फेस नहीं करती, उत्तर पूर्व को फेस नहीं करती। प्रश्न बनाना है डज माई शॉप फेस द नॉर्थ ईस्ट, ये हो गया क्वेश्चन। इस तरह से एक और वाक्य लें, दिस रोड लीड्स टू दिल्ली, यह जो रास्ता है यह दिल्ली को जाता है, नेगेटिव बनाना है तो हो जाएगा दिस रोड डजंट लीड टू दिल्ली, क्वेश्चन बनाना है तो हो जाएगा डज दिस रोड लीड टू दिल्ली। तो हमेशा विचार करना पड़ेगा पर्सन क्या है, फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है कि थर्ड पर्सन है, और अगर थर्ड पर्सन है तो क्या वो उसमें सिंगुलर है। सिंगुलर होते ही डू का डज बन जाएगा और जो हमारी मेन वर्ब में एस एस लगा हुआ था वो हट जाएगा, और उसके साथ ही नॉट लगाना है तो नॉट लगाइए डज में, बना दीजिए नेगेटिव, और इंटरोगेटिव बनाना हो तो डज को आगे लाइए, वाक्य में सबसे शुरू में रखिए और प्रश्न बन जाएगा। पर ये सब करते समय मेन वर्ब में से एस या ईएस हटा देना पड़ेगा, क्योंकि हम ये मान लें कि डू को डज बनाने में वो एस ईएस चला गया। एक वर्ब हम लेते हैं और उसे सारे पर्संस में समझने की कोशिश करते हैं। सेंटेंस से आई स्माइल, मैं मुस्कुराता हूं, निगेटिव बनाना है बहुत आसान है, आई डू नॉट स्माइल, इंट्रोगेटिव डू आई स्माइल,
अब आते हैं फर्स्ट पर्सन में ही प्लूरल की तरफ. वी स्माइल, हम मुस्कुराते हैं. वी डोंट स्माइल, हम नहीं मुस्कुराते हैं. डू वी स्माइल, क्या हम मुस्कुराते हैं. अब ले लेते हैं हम सेकंड पर्सन जो कि यू है. सेकंड पर्सन की खासियत यह है कि एक वचन है तब भी यू, बहुवचन है तब भी यू. यदि मैं आप अकेले से बात कर रहा हूं तब भी मैं यू बोलूंगा, और आपके साथ और भी लोग हैं तो सबको मिला करके भी मैं यू ही कहूंगा. तो मैंने कहा यू स्माइल, आप मुस्कुराते हैं. नेगेटिव बना यू डोंट स्माइल, आप नहीं मुस्कुराते हैं. और अगर इंटरोगेटिव बनाना है तो होगा डू यू स्माइल, क्या आप मुस्कुराते हैं. अब आ जाते हैं थर्ड पर्सन में, और थर्ड पर्सन में हम लेते हैं सिंगुलर. अब लेते हैं हम ही को. ये इतना आसान नहीं है क्योंकि ही में हम देख रहे हैं ही स्माइल्स, यही अफर्मेटिव है क्योंकि इसमें एस ई एस लगाना जरूरी है. थर्ड पर्सन सिंगुलर का मामला है. ही स्माइल्स, वह मुस्कुराता है. नेगेटिव बनाना है तो हमें डज लगाना पड़ेगा. ही डजंट स्माइल, वह नहीं मुस्कुराता है. क्वेश्चन करना है तो होगा डज ही स्माइल. शी पर भी यही लागू होगा, कोई नाम होगा तब भी यही लागू होगा, सिंगल नाम होगा तो. जैसे अपने मित्र का मैं नाम ले लूं हरी, हरी स्माइल्स. नेगेटिव, हरी डजंट स्माइल. इंटरोगेटिव, डज हरी स्माइल. हो गया क्वेश्चन. आइए अब बात करें दे की, जो थर्ड पर्सन तो है पर प्लूरल है, तो इस पे वही नियम लागू होगा जो फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन पे लागू होता है. सीधे डू लगाएंगे, वाक्य नेगेटिव और इंटरोगेटिव बनेगा. दे स्माइल, वे मुस्कुराते हैं. दे डोंट स्माइल, वे नहीं मुस्कुराते हैं. डू दे स्माइल, क्या वे मुस्कुराते हैं. इस तरह से हम सारे पर्सन्स को, चाहे वो सिंगुलर हो चाहे वो प्लूरल हो, फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन, सभी का अफर्मेटिव नेगेटिव और इंटरोगेटिव बनाना सीख चुके हैं. और हम यहाँ ये समझ लें कि हमने हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इनडेफिनेट टेंस भली भांति अच्छी तरह से सीख लिया है. आज के लिए इतना ही. अगले यूनिट में हम लेंगे पास्ट इनडेफिनेट या पास्ट सिंपल या सिंपल पास्ट टेंस, कई नाम है अलग अलग, और इसको भी हम एक कठिन टेंसेस के तहत रखते हैं, इसलिए आप इसे भी ध्यान से देखें. अगला वीडियो होगा पास्ट सिंपल. आज के लिए इतना ही. नमस्कार, जय हिंद. यदि यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें. सब्सक्राइब करने के बाद आपको एक बेल आइकन दिखेगा, उसे आप जरूर प्रेस करें ताकि हम तुरंत आपको हमारे नए वीडियोस के बारे में जानकारी भेज सकें. धन्यवाद.